हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले हम आज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, क्वेश्चंस को हम इस तरह से डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ आपको क्वेश्चंस वो मिल गए हैं। अब आपको इसके जो भी आंसर हो सोच लेने हैं, या तो आप वीडियो को पॉज कर लो एक बार यहाँ पे, फिर आपको जो भी आज स्टेटमेंट सही लग रहे हैं आप उनको आंसर से डायरेक्टली मैच कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली है मेसोलिथिक एज से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन में आपको बताना क्या है वो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि इस टाइम पे जो भी उपकरण यूज किए जाते थे वो बड़े पत्थरों का तौर पे यूज है वो किए जाते थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि छोटे जानवरों को सामान्य रूप से शिकार है वो किया जाता था। तो आपको बताना कि मेसोलिथिक युग है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखो, पहले तो आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है वो केवल बी स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो पहले तो हम थोड़ा देखते हैं कि मेसोलिथिक एज है कब थी। देखो, स्टोन एज थी, जिसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। उसमें बेसिकली तीन पार्ट थे, एक तो प्रारंभिक और एक मध्य और एक बाद में लास्ट में तीसरा, या तीन अपन एक तरीके से लोकल लैंग्वेज में इसको देख लेते हैं। जो मिडिल वाला जो टाइम पीरियड था ना, पत्थर वाला जो मिडिल स्टोन एज वाले था नॉर्मली, उसको मेसोलिथिक एज के नाम से, मेसोलिथिक युग के नाम से जानते हैं। तो उस एज की बात की जा रही है। तो उस टाइम पे देखो, जो जानवर है छोटे जानवरों का शिकार बेसिकली किया जाता था, और जो पत्थर थे ऑब्वियसली छोटे पत्थरों के औजार बनते थे, चाकू वगैरह था, कुछ भी जो बनाया जाता था उस टाइम पे, हथियार वगैरह, वो बेसिकली छोटे पत्थरों के तौर पे ही बनाए जाते थे। तो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और सेकेंड स्टेटमेंट सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी स्टेटमेंट दिए गए, जिसमें आप देख सकते हो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि आर्यों ने भारत के मध्य भाग को सत्सिंधु कहा। दूसरा स्टेटमेंट है आर्य काल के दौरान विशालपति गांव के समूह के प्रमुख का जिक्र करते हुए राजनीतिक पदनाम थे। तीसरा स्टेटमेंट है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्य लोग आर्कटिक से आए हैं इस बात को सपोर्ट है वो किया था। तो आपको बताना कि तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो आप एक बार सोच लीजिए। देखो, आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो पहला स्टेटमेंट है उसको एक बार हम छोड़ते हैं, दूसरे तीसरे को देखते हैं। तो देखो, तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल फैक्चुअल है कि हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्यों आर्कटिक से आए थे भारत में। नो डाउट ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि देखो, आर्य के टाइम पे हम बात करें तो उस टाइम पे सीन क्या था। उस टाइम पे छोटे छोटे जो कुल होते थे, कुल किस में होते थे, कुल से बड़ी जो इकाई होती थी वो होती थी यहाँ पे ग्राम। वो ग्राम के बाद में हम बात करें तो उसके बाद होते थे गांव है वो बनते थे, जो हमें ध्यान में रखना है। मतलब किस तरीके से बनते थे, पहले तो छोटे छोटे कुल होते थे। कुल का मतलब एक तरीके से कि कितने, जैसे कि एक छोटा परिवार हो गया, वो परिवार से मिलके बड़ा ग्राम बनता था, वो ग्राम से मिलके फिर धीरे धीरे आगे जो बड़ा एरिया बनता था वो बेसिकली उसको नाम बृहस्पति के नाम से जाना जाता था। तो विशालपति है, विशालपति है, ये हमें ध्यान में रखना है कि तीसरी इकाई थी। तो तीसरा दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है कि राजनीतिक वो एक इकाई थी उस टाइम की। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि देखो ये जानो कि पहले सप्तसिंधु एरिया कौन सा था। सप्तसिंधु ऑब्वियसली सिंधु वाला एरिया था, और मध्य भारत को तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि मध्य भारत का मतलब होगा सेंट्रल भारत, और सेंट्रल भारत में तो आपको पता है कि सिंधु को लेना देना ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। फिर हम ढंग से देखें कि सप्तसिंधु का मतलब क्या हुआ, सिंधु और उसके बाद में जो वहां पांच, जो पंजाब की पांच नदियां हैं वो, उनको मिला के टोटल 7 नदियां होती थी। पांच नदी पंजाब की प्लस 2 नदियां, एक सरस्वती और एक सिंधु, इन कुल मिला के इन 7 नदियों के एरिया को बेसिकली सब सिंधु के नाम से जाना जाता था। तो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होता है, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। क्योंकि हम जानते हैं कि विशाल है वो बेसिकली ग्राम में बटे थे, वो ग्राम और कुल में बटे थे। तो इस तरीके की इकाई, सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी उस टाइम पे, कुल से बड़ी थी वो ग्राम थी, ग्राम से पति विश या विशालपति, विशाल के नाम से इसको बेसिकली जाना जाता था। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली, इसमें आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं तो उनके बारे में हमें देखना है। क्वेश्चन यह है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय होने के कौन से कारण है, कौन कौन से उसके महान योगदान के एरियाज हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है, ये देखो एडिटिंग वगैरह में गलती हो गई है, कि ऋग्वेद है उसमें आम प्रथा लोगों के लिए अव्यवहारिक और सस्ती हो गई थी, ऋग्वेद के टाइम की जो प्रथा थी वो। दूसरा स्टेटमेंट है कि उपनिषद है वो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते थे। तीसरा स्टेटमेंट है कि व्यापार समुदायों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि है वो हो रही थी। तो आपको बताना है कि तीनों में से कौन से कारण थे जो कि जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारण बने थे। आपने आंसर सोच लिया होगा, अब हम थोड़ा देखते हैं। देखो, 6वीं सेंचुरी BC मतलब ईसा पूर्व की बात यहाँ पे की जा रही है, कि 500 से 600 ईसा पूर्व की बात बेसिकली चल रही है इस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपको पता है कि बौद्ध और जैन धर्म वो बेसिकली आए थे। अब वो आए क्यों थे, देखो इसका एक सबसे बड़ा रीजन तो क्या था
कि जो हमारा ब्राह्मण धर्म था उसके अंदर काफी अव्यवहारिक हो गया था। अव्यवहारिक का मतलब क्या हो गया था, जो एक तरीके से यज्ञ और कर्मकांड की जो प्रक्रिया थी ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। ब्राह्मणों ने एकाधिकार कर रखा था, तो इसलिए यज्ञ कराना बहुत ही मुश्किल हो गया था, फालतू का खर्चा होता था। तो इसलिए ऋग्वेद के टाइम पे अव्यवहारिक तो होगी, नो डाउट। ठीक है भाई, यज्ञ वज्ञ बहुत महंगे पड़ने लगे थे, बहुत ही टफ काम हो गया था, तो मतलब आम लोग करवा ही नहीं सकते थे। बट यहाँ पे बात की जा रही है सस्ती, भाई सस्ती कहाँ से होती, तो महंगे हो गए थे, क्योंकि यज्ञ के एरिया में किसका अधिकार था, ब्राह्मणों का था, और ब्राह्मण तो अपनी मनमर्जी करने लग गए थे, तो ऑब्वियसली सस्ती नहीं थी, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि उपनिषद आसानी से समझ में नहीं आते थे। बिल्कुल सही बात है, उपनिषदों के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता था, तो इसलिए उनको लोगों को समझ में नहीं आते, तो ब्राह्मण अपनी मनमर्जी करते थे, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, वो हो जाता है, पहला यहाँ पे गलत है। बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, तो तीसरे स्टेटमेंट क्या है कि व्यापारिक समुदायों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखो आप ये देखिए, उस टाइम पे ऋग्वेदिक टाइम की बेसिकली हम बात कर लें, या वैदिक टाइम की बात कर लेते हैं पूरे की। वैदिक टाइम में क्या होता था, जो खेती वेती का जो सारा काम था, व्यापार वगैरह का, वो बेसिकली वैश्यों द्वारा किया जाता था। ठीक है, अब आपको पता है कि वैश्य अगर व्यापार करे, तो मतलब कहने का मतलब सारा ट्रेड और इकोनॉमी का काम वैश्यों के हाथ में था। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ रहा है, तो इसको मतलब वैश्यों की हालत है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो अगर वैश्यों की हालत धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब उनके हाथ में पावर जा रही है, इसका मतलब व्यापार बढ़ रहा है, तो इसलिए व्यापार समुदाय की हालत है वो बढ़ रही थी, और क्षत्रिय और ब्राह्मणों की हालत थोड़ी थोड़ी कमजोर होने लगी थी, और इसीलिए बाद में जो यहाँ पे हम बात करें कि बौद्ध और जैन धर्म है वो आया था। बौद्ध और जैन धर्म आने के मुख्य कारण यही है कि वैश्यों की हालत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी थी, क्योंकि देखो व्यापार और वाणिज्य का महत्व तो बढ़ गया था उस टाइम पे। बात करें कि करेंसी थी, मुद्रा थी, वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसलिए हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब माहौल है वो वैश्यों के अनुकूल हो गया था, और कुल मिला के उनको काफी अच्छा फायदा हुआ, और इसलिए बौद्ध और जैन धर्म के आने के रास्ते खुल गए। चौथा क्वेश्चन है, उसमें भी आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये बेसिकली आपको बताना है कि प्राचीन भारत में क्षत्रिय जो साम्राज्य थे उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन पे विचार करना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे वो अंगुत्तर निकाय में उनको सूचीबद्ध किया गया है, मतलब बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है ना अंगुत्तर निकाय, उसमें उनको लिस्ट किया गया है, किनको, यहाँ पे बात की जा रही है रीजनल किंगडम की। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि वत्स साम्राज्य यमुना नदी के तट पे था। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको खुद को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है वो बताना है। बस मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि आप एक बार सोचिए कि अंगुत्तर निकाय था, उसके अंदर महाजनपदों की बात हो की गई है। वो महाजनपद क्या थे, छोटे छोटे जो जनपद थे, 16 महाजनपद थे आपको पता है टोटल, तो उनकी बात की गई, मतलब क्षेत्रीय राज्यों की बात की गई, तो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। अब बात है दूसरे स्टेटमेंट की, तो मैं आपको दूसरे में केवल इतना हिंट दे रहा हूँ कि वत्सा इसकी उस टाइम पे राजधानी थी कौशाम्बी। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कहाँ पे था, कहाँ पे नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड है, वो करवाना है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिस्कशन को हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखें, या फिर अलग तरीके से कुछ और चेंज वगैरह करें। अब देखते हैं कुछ आज के करंट अफेयर। देखो प्रधानमंत्री ने एक्चुअली दिल्ली के अंदर एमएसएमई कॉन्फ्रेंस, एमएसएमई मीटिंग है वो हुई थी, तो उसके दौरान काफी सारी बातें उनके द्वारा कही गई। तो एक तो वहां पे अहम बात आई कि अभी जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, इनको 1 करोड़ तक का लोन है, वो 59 मिनट में लोन है वो अप्रूव है, वो हो जाएगा, इनको आसानी से लोन मिल जाए। देखो किसी भी कंट्री की जो बैकबोन है वो बेसिकली एमएसएमई सेक्टर ही होता है। चाइना इंडिया से आगे क्यों निकला, क्योंकि उसने एमएसएमई सेक्टर को 1980 के दशक में बहुत ज्यादा आगे स्ट्रॉन्ग है वो कर दिया लोगों को। एक तरीके से हम देखें तो अगर 11th क्लास की आप इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो उसने क्लियर लिखा हुआ है कि धीरे धीरे चाइना क्या कर रहा था, चाइना ने 1978 1980 के टाइम पे ही जो लोग थे वहां के, उनके घरों में मतलब उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि भाई आप बिजनेस को सेट कीजिए, आप छोटे छोटे कारखाने वगैरह घरों में खोलना शुरू कीजिए। इसी से चाइना है वो आज इसने वर्चस्व पे पहुंचा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी बनाया जिसका नाम है psblones59minutes.com, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर बैंक है वो लोन प्रोवाइड करेंगे 59 मिनट्स में एमएसएमई सेक्टर को, कहां तक, 1 करोड़ तक की लिमिट का लोन है वो 59 मिनट्स में अप्रूव है, वो हो जाएगा। सॉरी, तो अब हम देखते हैं इसके बारे में और फीचर्स। देखो एमएसएमई सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यूपीएससी यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती है। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे दे सकती है कि एमएसएमई सेक्टर को 10 करोड़ तक का लोन मिलेगा यहाँ पे, नहीं भाई 1 करोड़ तक के लोन के लिए अप्रूवल की बात यहाँ पे की जा रही है। 10 करोड़ तक का लोन लेना तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। इसके लिए अहम बात यह है कि लोन ऑप्शन है वो जीएसटी की जो पोर्टल है वहां पे अवेलेबल होगा, और अदर साइड पे भी अवेलेबल है, या अदर पोर्टल भी उसके लिए बनाया गया, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। जीएसटी को काफी अब तक गवर्नमेंट ने काफी तरीके से सिंक कर दिया है,
ताकि एमएसएमई सेक्टर को बेनिफिट उसका मिलता रहे। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक अभियान भी चलाया जिसका नाम है 100 जिलों में 100 दिनों तक एमएसएमई प्रचार कार्यक्रम। मतलब 100 जिलों के अंतर्गत 100 दिनों में एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है इसका प्रचार किया जाएगा ताकि लोग एमएसएमई सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और इंडिया में लोग हैं वो जॉब क्रिएटर बने ना कि जॉब सीकर बने। तो इसके लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है काफी अच्छा, इसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है धर्मागार्जन एक्साइज के बारे में। देखो धर्मागार्जन जो एक्साइज है वो बेसिकली इंडिया और जापान के बीच की पहली ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज है, ये आपको ध्यान रखनी है। और ये इंडिया में होस्ट है, वो बेसिकली ये इंडिया में इस बार आयोजित है, वो की जा रही है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आयोजित की जा रही है। तो अब आपको थोड़ा आज सर्च करके गूगल पे बताना है कि नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे इसको आयोजित किया जा रहा है, कौन से स्टेट में। खैर यूपीएससी स्टेट तो नहीं पूछेगी, बट हम थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए देख लेते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो अहम बात तो है कि अगर ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है तो ऑब्वियसली इंडिया जापान की स्किल सीख सकेगा और जापान इंडिया की स्किल सीखेगा। अगर फ्यूचर में दोनों को कहीं पे ज्वाइंट कोऑपरेशन करना हो तो दोनों आराम से कोऑपरेशन सहयोग है वो कर सकते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन है वो चला सकते हैं। इसके साथ ही अहम बात करें कि वर्ल्ड वाइड जो फिनोमिना है टेररिज्म वगैरह को, इनसे निपटने के लिए भी काफी हेल्प है इंडिया को मिलेगी और चाइना सॉरी जापान को भी मिलेगी। तो ये बेनिफिट यहाँ पे ध्यान में रखने की धर्मागार्जन एक्सरसाइज है उसका पहला एडिशन अभी स्टार्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक को लेके। देखो 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक है वो स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका मेन मोटो यही है कि लोगों को सतर्क किया जाए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा कि हाँ भाई हो क्या रहा। कि देखो सतर्कता का मतलब क्या हुआ कि हमें चौंकना रहना है, चाहे करप्शन हो या चाहे कोई और भी फील्ड हो, हर एरिया के लिए सतर्क करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम वो चलाया गया है। बस इसमें एक छोटा सा फैक्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि किसके द्वारा बेसिकली यह चलाया गया है, मिनिस्ट्री देखो थोड़ी इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यह हमें ध्यान में रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने बेसिकली विजिलेंस अवेयरनेस वीक है वो स्टार्ट है वो किया है। तो देखो सबने वैसे तो अलग अलग स्टार्ट कर रखा है इसको, तो हमें यही ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके द्वारा यहाँ पे इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। कई जगह 29 से स्टार्ट किया गया है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीएससी डेट पे फोकस नहीं करने वाली कि भाई कब से कब तक इसको स्टार्ट है वो किया गया है। होगा क्या इसमें जगह जगह पे कैंपेन चले जाएंगे लोगों को अवेयर करने के लिए सतर्कता के बारे में, चाहे करप्शन की बात हो, चाहे और कोई भी टेररिज्म की बात हो, चाहे अपने प्रशासन में गवर्नेंस की बात की जा रही है या फिर गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट हो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा हो, सेमिनार हो, डिबेट होंगे, इसके हेल्प से लोगों को अवेयर है वो करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है बेसिकली WHO की एक रिपोर्ट आई है चाइल्ड हेल्थ को लेके। देखो काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि इसका डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका हम कहीं ना कहीं यूज है ऐसे राइटिंग में भी और आंसर राइटिंग में भी यूज है वो कर सकते हैं। WHO ने भी एक रिपोर्ट निकाली एयर पोल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ, तो एक तो यूपीएससी डायरेक्टली ये पूछ सकती है एयर पोल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ किसके द्वारा भी रिसेंटली जारी है वो की गई है, क्योंकि यूपीएससी हर साल 1-2 क्वेश्चन तो रिपोर्ट पे पूछती रहती है। देखो इस रिपोर्ट को कब आयोजित किया गया वो भी थोड़ा देखते हैं। अभी रिसेंटली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ के ऊपर एक आयोजित हुई थी कहाँ पे, जिनेवा में, और यह पहली कॉन्फ्रेंस थी। ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ है वो जिनेवा में पहला एडिशन आयोजित है वो किया गया था WHO के द्वारा, ठीक है। इसमें एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है एयर पोल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है डाटा देखते हैं। इस रिपोर्ट में देखो ये कहा गया है कि हर दिन 93% ऑफ वर्ल्ड, मतलब ये मान लो कि टोटल वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है ना उसकी 93% जो बच्चे है ना यूथ बच्चे बच्चे की बात की जा रही है यहाँ पे, जिनकी एज बेसिकली 15 साल से कम है, तो वो है अप्रोक्सीमेट 1.8 बिलियन बच्चे। तो कहा जा रहा है कि 1.8 बिलियन बच्चे हैं वो एक्चुअली ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो कि उनके लिए सांस लेने लायक नहीं है, मतलब ऐसी हवा में वो ब्रेथ ले रहे हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उनको कहीं ना कहीं उससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो वो छोटे बच्चे होते हैं 15 साल तक के बेसिकली, तो वो क्या तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं मुंह से नाक से दोनों से, तो उससे कहीं ना कहीं जो कीटाणु होते हैं या हम बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर मैटर 2.5 और 10 है वो कहीं ना कहीं बॉडी में चले जाते हैं और फिर लंग्स को इफेक्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे अस्थमा और गंभीर बीमारियों का प्रकोप है वो बढ़ने लग जाता है। तो देखो जब बच्चे बीमार पड़ने लग जाएंगे तो हमारे देश का या ऑल ओवर द वर्ल्ड का फ्यूचर क्या रहेगा, हर कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंट ही बदल जाएगा, तो ऑब्वियसली बच्चे तो फ्यूचर होते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब फ्यूचर ही अंधकार में हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि देखो भाई पॉल्यूशन कितना लेवल पे जा चुका है, मतलब 100 में से 93 बच्चे हैं वो तो बेसिकली बहुत ही खतरनाक हवा में सांस वो ले रहे हैं जो कि सांस लेने लायक भी नहीं है। और बात करें तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में तो हालत और भी ज्यादा यहाँ पे बुरी है वो बताई गई है। तो ये बेसिकली रिपोर्ट है जो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस को लेके। देखो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है इसका बेसिकली तीसरा एडिशन है, वो इस बार हम बात करें तो वियतनाम की कैपिटल है हैनोई वहां पे आयोजित वो किया गया था। पहला और दूसरा एडिशन है वो श्रीलंका में
और बात करें सिंगापुर में बेसिकली आयोजित है वो क्या कहता था, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है क्या? देखो जैसे ये मान लो कि ये इंडिया का मैप हो गया, फिर यहाँ पे ये जैसे कि हम मान सकते हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट हो गया, यहाँ पे बन गया अपना मैप। तो ये जो इंडियन ओशन वाला एरिया हो गया ना, इस एरिया की बेसिकली यहाँ पे बात है वो की जा रही है कि इंडियन ओशन के आसपास की जो भी कंट्रीज है ना, इन कंट्रीज के द्वारा बेसिकली कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। उन्होंने एक फाउंडेशन बना रखा है जिसका नाम है इंडिया फाउंडेशन। तो इंडिया फाउंडेशन ने बेसिकली इसको आयोजित है वो किया है, और इस कॉन्फ्रेंस में जो इंडियन ओशन की जो भी कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्री है, वो पार्टिसिपेट करती है। और उनका मेन फोकस ये रहता है कि भाई यहाँ पे जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव किया जाए, टेररिज्म से भी निपटा जा सके, और यहाँ पे मतलब अच्छी क्वालिटी की सर्विस है, इकोनॉमी है, उसको बूस्टअप करने के लिए बात हो की जाती है कि इंडियन ओशियन के एरिया में शांति वगैरह कुछ स्टेबल है वो क्या हो जा सके। और इसमें जो भी अभी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी बेसिकली अगस्त में हुई थी, तो इसमें जो भी मेंबर्स हैं इसके, तो उसके स्टेट गवर्नमेंट हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, लीडर्स हो गए, स्कॉलर्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया और आपस में डिस्कशन वगैरह वो की गई थी। तो ये बेसिकली इंडियन ओशन के एरियाज में शांति स्थापित करने के लिए, यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको सर्व करने के लिए मीटिंग है वो हुई थी। तो ये हमें ध्यान में रखनी है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले आज हमने एमएसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट का जो पोर्टल है PSBLoans59Minutes.com के बारे में जाना, जो कि एमएसएमई सेक्टर को 1 करोड़ तक का लोन है वो 59 मिनट में अप्रूव हो जाएगा। ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम है यहाँ पे नहीं होगा। तो इससे फायदा क्या होगा, एमएसएमई सेक्टर बढ़ेगा तो लोगों को जॉब मिलेगी और कहीं ना कहीं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म है वो होगी। इसके बाद में हमने धर्मा गार्जियन एक्साइज के बारे में जाना, जो इंडिया और जापान के बीच की एक्साइज है। इसके साथ हमने विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में जाना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक प्रोग्राम है। इसके साथ हमने WHO की रिपोर्ट है चाइल्ड हेल्थ को लेकर, जिसका नाम है एयर पोल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ। उसमें पता लगा कि 100 में से 99 बच्चे हैं वो तो बेसिकली बहुत ही खतरनाक या रिस्क वाली हवा में सांस है वो ले रहे हैं। इसके साथ हमने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में जाना, जो कि बेसिकली इस बार तीसरा एडिशन है, वो वियतनाम के कैपिटल हनोई में आयोजित है वो किया गया था। चलो आप ये बताइए अभी क्वेश्चन और आपके लिए कि आसियान जो कंट्रीज है ना, आसियान में एक कंट्री ऐसी है जो कि बेसिकली लैंडलॉक्ड है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि आसियान की कौन सी कंट्री है वो लैंडलॉक्ड है। ये आपको कमेंट बॉक्स में थोड़ा गूगल मैप को जाके निहारिए, वहां से देख के आपको बताना है। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।